हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ME2A क्लास। दोस्तों, आज हम क्लास 12 का चैप्टर जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, उसको हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और इनके जो राइटर हैं, जो कि हैं एनएस जैन, जो इनका जन्म 1964 में हुआ था। ठीक है, तो आज मैं आपको इस चैप्टर को फुल हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इसकी पूरी समरी हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले मैं बताता हूँ कि जो स्टोरी है ना, जो चैप्टर है, ये दो पार्ट में डिवाइड है। दो पार्ट में डिवाइड नहीं, इसका मतलब है कि इस चैप्टर में दो स्टोरी है। ठीक है, तो इस लेक्चर में मैं पहली स्टोरी लूंगा और जो दूसरी स्टोरी है वो दूसरे लेक्चर में लूंगा, क्योंकि ये फिर बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ इस चैप्टर को। तो आप देखिए, जो हमारा ये वाला चैप्टर है, इसमें जो पहला पार्ट है, जो पहली स्टोरी है, उस स्टोरी का नाम है सम टाइम आई फाइंड अ रूपी इन अ गार्बेज। सम टाइम आई फाइंड अ रूपी इन अ गार्बेज। ठीक है, तो जो ये वाली स्टोरी है, ये स्टोरी एक बच्चे की है। ठीक है, वो भी स्टोरी बच्चे की है, ये एक बच्चे उस बच्चे की है जो रैग पिकिंग करता है। तो लेखिका बताती है, अभी मैं अभी थोड़ी देर के लिए आपको बता देता हूँ उसका नाम क्या है, क्योंकि नाम बाद में लेखक का पूछेंगी ना, तो अभी मैं बता देता हूँ। उस बच्चे का नाम है साहिब आलम, जो कि रैग पिकिंग करता है। तो उस जो लेखिका होती है, वो साहिब आलम से कहते हैं कि तुम रैग पिकिंग क्यों करते हो। तो साहिब आलम कहता है कि मेरे पास और कोई काम नहीं है, इसलिए मैं ये काम करता हूँ। फिर लेखिका पूछती है कि अच्छा ये बताओ, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। तो वो भी बड़ी प्यारी सी और मासूम आवाज में बोलता है, कहता है कि हमारे आसपास में कोई स्कूल नहीं है, इसीलिए मैं स्कूल नहीं जाता। तो थोड़े जो लेखिका होती है, वो मजाकिया मूड में, ठीक, कॉमेडी मूड में बोलती है, कहती है अगर मैं स्कूल बनवा दूं तो क्या तुम स्कूल जाओगे। तो साहिब आलम जो होता है ना, तुरंत बोलता है, अगर जैसे ही बोलती है, लेखिका बोलती है कि अगर मैं स्कूल बनवा दूं क्या तुम स्कूल जाओगे, तो वो तुरंत फिर रिग्रेट फील करती हैं। अभी मैं बताऊंगा रिग्रेट क्यों फील करती हैं। ठीक है, तो साहिब आलम तुरंत खुश हो जाता है, वो कहता है हाँ मैं स्कूल जरूर जाऊंगा। फिर वो रिग्रेट इसलिए फील करती हैं, कहती हैं कि ये मैंने झूठ बोल दिया उससे। ठीक है, झूठा वादा कर दिया। क्यों? क्योंकि यार प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो स्कूल बनाना उनके लिए पॉसिबल उस टाइम नहीं था पॉसिबल ना। तो वो उनको अंदर से गिल्टी फील होता है कि यार ये मैंने गलत कह दिया। ठीक है, फिर कुछ दिन बाद क्या होता है कि जो साहिब आलम है, वो दौड़ते दौड़ते लेखिका के पास आता है और पूछता है कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया। ठीक है, तो और रिग्रेट फील करती है, कहती है पहली बात तो मैंने इससे जो झूठा वादा कर दिया उस पर काफी रिग्रेट फील करती है, कहती है यार मैंने ये गलत कर दिया, ये मुझको नहीं कहना चाहिए था। फिर सोचती है, थोड़ी देर बाद सोचती है कि मैं ही नहीं हूं, पता नहीं इस दुनिया में, इस यहाँ पे पता नहीं कितने लोग होंगे जो ऐसे लोगों को झूठे 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 वादे करते होंगे। सिर्फ मैंने थोड़े किया है, जैसे कि नेता हो गए, नेता भी इन लोगों से पता नहीं कितने झूठे वादे किए होंगे, क्या वो उन्होंने पूरा किया। तो वो फिर इस बात को याद करके अपनी जो गलती होती है उसको फिर टाल देती है, ये बात हो जाती है। फिर क्या होता है कि कुछ महीने बाद जो लेखिका होती है, कुछ महीने बाद लेखिका साहिब आलम से पूछती है बेटा तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बड़ी प्यार से बताता है कि मेरा नाम साहिब आलम है। अब जब ये नाम सुनती है साहिब आलम, तो उनको थोड़ी हंसी आ जाती है। हंसी इसलिए आ जाती है क्योंकि एक्चुअली में जो साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब तुमको मैं बताता हूँ कि वो जो लेखिका होती है, वो कहती है इस बच्चे को अपने नाम का मतलब नहीं पता है। भाई मतलब क्या है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, काम क्या है रैग पिकर, मतलब काम और नाम बिल्कुल कुछ मैच कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो कहती हैं कि अगर इस बच्चे को अपने नाम का मतलब भी पता होता तब भी वो विश्वास नहीं करता, वो ऐसा लेखिका बताती हैं। फिर क्या होता है कि जो अब जो साहिब आलम है, वो अकेला नहीं, वो अपनी पूरी टोली के साथ घूमता है दिन भर रात भर अपना घूमता रहता है। तो वो लेखिका बताती है जो इनकी टोली है, उनकी टोली को मॉर्निंग बर्ड से कंपेयर करती हैं। मॉर्निंग बर्ड मतलब क्या होता है? मॉर्निंग बर्ड जैसे कोई बर्ड, एक जो बर्ड नहीं होता जो मॉर्निंग मॉर्निंग में सिर्फ मॉर्निंग में हमको दिखाई पड़ती है और बाकी पूरा दिन गायब रहती है, बस उनकी टोली को उसी से कंपेयर कर देते हैं।
क्योंकि जो ये बच्चे होते हैं, इनकी जो टोली होती है वो गली गली घूमने वाली। हाँ, पहली बात तो जो लेखिका होती है इनकी टोली को एक नाम देती है, वो कहती है आर्मी विदाउट फूट, ठीक है, विदाउट जूता चप्पल, वही समझ जाओ ना। तो बताते हैं कि आर्मी विदाउट फूट, तो क्या होता है, लेखिका होती है वो साहिबे आलम को और उनकी टोली को मॉर्निंग बर्ड से कंपेयर करती है, क्योंकि ये जो बच्चे थे वो सिर्फ दिन में दिखाई देते थे, रात होते होते बिल्कुल गायब हो जाते थे, वो ऐसा लेखिका बताती है। लेखिका बताती है कि वहां पे इस सब बच्चों को पहचानने लगी थी, ठीक है, मैक्सिमम जितने बच्चे थे वहां रैग पिकिंग करते थे उनको पहचानने लगी थी। तो एक से वो पूछती है कि तुमने जूते क्यों नहीं पहने, तो वो बड़े प्यार से बताता है कि मेरी मम्मी ने जूते को अटारी पर रख रखा है और मैं उतार नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं उनको नहीं पहन रहा हूँ। तो जो वहां पे दूसरा बच्चा होता है जिसने गंदे से जूते पहन रखे होते हैं, बेकार से, ठीक है, वो जूते पहन रखे होते हैं, वो कहता है कि अगर इसको मम्मी उतार के दे भी दें तब भी ये पहनेगा नहीं, ठीक है, एक्सक्यूज देते हैं, एक्चुअली में उनके पास है ही नहीं ना, लेकिन वो एक्सक्यूज बता देते हैं, कहते हैं अगर इसको मम्मी उतार के दे भी और ये पहनेगा नहीं फिर भी। अब जब ये बात कहता है तुरंत ये अपने जो दूसरा बच्चा होता है वो अपने जूते को छुपाने लगता है, ठीक है, क्योंकि वो जो लेखिका है ना उनके जूते, गंदे जूते वो देखना ले। तीसरा बताता है कि मेरे पास तो जूते हैं ही नहीं, मैं पहनूं क्या, पूरी बात ही खत्म कर दी यहाँ पे उसने, ठीक है, मेरे पास जूते हैं ही नहीं तो मैं पहनूं क्या। तो ये सब देखते हुए लेखिका को एक स्टोरी याद आती है, और स्टोरी में क्या होता है, स्टोरी में एक उदुप्पी प्लेस है, वहां के एक व्यक्ति थे, उन्होंने लेखिका को एक स्टोरी सुनाई, और वो स्टोरी में क्या था कि वो बताते हैं, लेखक वो व्यक्ति बताते हैं कि जब वो छोटे थे तब वो स्कूल जाया करते थे, ठीक है, और जब जहां से स्कूल जाते थे उसके रास्ते में एक मंदिर पड़ता था जहां पे उसी के पापा पुजारी हैं, पुजारी थे, और वो हमेशा जब भी स्कूल जाया करता था, ठीक है, तब वो भगवान से प्रार्थना करता था कि मेरे को एक जोड़ी जूते दिला दो, ठीक है, ऐसे प्रार्थना करता था। फिर लेखिका बताती है कि मैं 30 साल के बाद उसी प्लेस पे गया जिस प्लेस की वो व्यक्ति स्टोरी सुना रहा था। वो बताती हैं कि जब मैं उसी प्लेस पे गया तो देखा कि वहां पे जो मंदिर जो जिस बारे में बात कर रहे थे वो मंदिर काफी पुराना हो गया था और जहां तक टूट भी चुका था, और वहां पे दूसरे पुजारी भी थे, लेकिन वहां पे एक चीज चेंज थी। क्या चेंज थी, वो कहते हैं कि वहां पे मैंने देखा, लेखिका कहती हैं कि मैंने देखा कि एक छोटा सा लड़का वो दौड़ते खेलते कूदते जूते पहन के और ड्रेस वेस पहन के और बैग वैग लेके और टहलते टूलते आ रहा था, और उसने क्या किया, अपने बैग को एक स्टूल पे ऐसे रख दिया, ठीक है। तो वहां पे वो सोचती हैं कि शायद जो उदुपी के व्यक्ति जो थे, जो अभी 30 साल पहले, वो कहते जो पहले एक लड़का था जो यहाँ पे आके भगवान से प्रार्थना करता था, कहता था कि हे भगवान मुझको ये दिला दो, जूते दिला दो, तो वो कहते हैं शायद आज उस बच्चे की मनोकामना पूरी हो गई, क्योंकि आज उन्होंने देखा कि उसी प्लेस पे एक लड़का जूते पहन के भगवान के पास आया था, ठीक है। तो वो ऐसी स्टोरी बताती हैं, फिर सोचती हैं कि पता नहीं कितने वैसे लड़के होंगे जिनके पास आज भी जूते चप्पल नहीं होंगे, ठीक है। अब क्या है कि कुछ दिनों के बाद वो लेखिका देखती है कि जो साहिबे आलम है, साहिबे आलम एक टेनिस कोर्ट के पास खड़ा होता है, तो वो लेखिका साहिबे आलम के पास जाती है और पूछती है कि यार यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो साहिबे आलम कहता है मुझे ये गेम बहुत पसंद है और मुझे अच्छा लगता है, और यहाँ पे वो खुद एक्सेप्ट करता है, कहता है कि यहाँ पे जो गेटमैन है ना ये मुझे जाने, अगर आसपास में कोई नहीं होता है तो मुझको अंदर जाने भी देते हैं खेलने के लिए, और मैं खेलता भी हूँ, वो ऐसा बताते हैं। फिर क्या होता है कि जो लेखिका होती है थोड़ी देर बाद साहिबे आलम के वेशभूषा पे थोड़ा नजर टिकाती है, देखती है कि उसने व्हाइट कपड़े पहन रखे हैं गंदे से, और उसके पैर में जूते भी हैं जो कि काफी आश्चर्यचकित था उनके लिए। तो वो बताता है साहिबे आलम कि ये जूते मुझे किसी भैया ने दिए हैं, ठीक है, जो जूते थे वो क्या थे, वो जो जूते जूते थे वो स्पोर्ट जूते थे, तो उसमें छोटा सा छोटा नहीं एक बड़ा सा चेन था, ठीक है।
तो जो लेखिका होती हैं वो सोचती हैं जरूर किसी अमीर बच्चे के होंगे ये, क्योंकि अमीर बच्चों के लिए वो कोई मायने नहीं रखता। लेकिन साहिबे आलम को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उस वो जूते फटे हैं, नुचे हैं, कैसे भी हैं, गंदे हैं, उसको पहनने से मतलब था। वो ऐसा लेखिका फिर बताती हैं। फिर लेखिका कहती हैं कि वो कुछ दिनों के बाद वो देखता है कि साहिबे आलम एक दुकान पे, चाय की दुकान पे काम कर रहा होता है। तो साहिबे आलम के पास लेखिका जाती है, तो कहते हैं, वो बताता है, साहिबे आलम खुद बताता है कि अब मैं यहाँ पे काम करने लगा हूँ, अब मैं रैक पिकिंग नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे काम करने लगा हूँ, मुझे 2 टाइम का खाना मिलता है और 800 रुपए भी महीने मिलते हैं। ठीक है, तो वो जो लेखिका होती है वो सोचती है, उनसे कहती है कि या यार, अच्छा ये बताओ, क्या तुम इस काम से खुश हो, तुम्हें ये काम अच्छा लगता है? तो उसका एक्सप्रेशन ही देख के वो बताने लगती है, कहती है कि वो उस काम से खुश नहीं था। ठीक है, उस काम से खुश नहीं था। तो वो कहते हैं क्यों नहीं खुश था, क्योंकि जब वो रैग पिकिंग कर रहा होता है, जब वो रैग पिकिंग कर रहा होता है तो वो खुद का मालिक था, जो मन करता था वो करता था और जो मन नहीं करता था वो नहीं करता था, इधर जाता था उधर जाता था, जो मन करता था, मतलब वो खुद का मालिक था। लेकिन अब क्या होगा, अब जिसकी दुकान पे काम कर रहा है, जिससे 800 रुपए महीने ले रहा है, 2 वक्त का खाना ले रहा है ना, अब सारे काम उसी के मर्जी के करेगा, मर्जी से करेगा। अगर वो कहेगा ये करो तो वो ये करेगा, वो करेगा ना करो तो ना करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, तो जो लेखिका होती है वो साहिबे आलम की केतली जो जो हाथ में होती है वो उसको, और जो रैग पिकिंग कर रहा था उस टाइम, उसके हाथ में जब जो झोला था, ठीक है, उस बोरी को, उसको कंपेयर करती है और रिलेट करके बताती है कि वैसे बात किया जाए, ऐसे बात किया जाए तो जो ये झोला है रैग पिकिंग वाला, ठीक है, वैसे ये जो रैग पिकिंग वाला झोला है ये काफी वजन है एज कंपेयर टू हमारा जो ये वाला केतली है। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में साहेब आलम से पूछे तो वो उसका ये मतलब है कि अब प्रेजेंट टाइम में अब वो खुद का तो मालिक है नहीं, तो जो केतली का जो डिब्बा है ना, जो केतली है ना, वो उसके लिए बहुत वजन है एज कंपेयर टू बाकी रैग पिकिंग वाला झोला। वो ऐसा साहेब आलम को, मतलब ऐसा वो लेखिका बताती है। तो दोस्तों ये स्टोरी थी साहेब आलम की। अब मैं आपको बताता हूँ सीमापुरी प्लेस के बारे में। देखो, सीमापुरी प्लेस एक दिल्ली की प्लेस है जो कि दिल्ली की सीमा में है, सीमा में मतलब किनारे। तो क्या हुआ कि बांग्लादेश से कुछ व्यक्ति लोग, काफी लोग, 1971 में, ठीक है, 1971 में बांग्लादेश से काफी लोग यहाँ पे रहने के लिए आए, एज अ माइग्रेंट। ठीक है, तो जो सीमापुरी प्लेस है ना, वो पहले बंजर जगह थी, वहां पे कुछ नहीं होता था, लेकिन वहां पे नियर बाय 10,000 से ज्यादा फैमिली वहां पे रहने आई एज अ माइग्रेंट। अब जो वो 10,000 से ज्यादा फैमिली रहने आई, तो उनके लिए खाना खर्चा जो कुछ उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो वो वहां पे रहते रहते, अब कोई रोजगार तो था नहीं, जो 10,000 फैमिली है उसमें से सारे सारे मैक्सिमम लोग क्या करने लगे, रैग पिकिंग करने लगे। उसी फैमिली में से एक साहिबे आलम की भी फैमिली थी। जो साहिबे आलम था उसका भी घर कोई ढाका में था, ठीक है, कहाँ पे, ढाका में। बताता है कि मेरा जो घर था वो ढाका में था, तो वहां पे बाढ़ या फिर सुनामी टाइप का समथिंग आया तो वहां पे सब बंजर हो गया, इसलिए वो लोग यहाँ पर आ गए हैं। तो उसी फैमिली में से साहिबे आलम की भी एक फैमिली थी जो वहां पे रहते थे। तो अब क्या है, जो रैग पिकिंग है ना, वो दो लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं। जैसे उनके जो वहां पे रहने वाले एल्डर लोग हैं, बच्चे हैं, बच्चों के लिए रैग पिकिंग अलग है मायना रखता है, और उनके पापा मम्मी के लिए वो अलग मायना रखता है। क्यों? क्योंकि पापा मम्मी के लिए रैग पिकिंग क्या है, सिर्फ पेट चलाना है, सिर्फ पेट चलाना। लेकिन बच्चों के लिए क्या है, बच्चों के लिए एक मस्ती है उस टाइम का, कि उनको जो कुछ मिल जाता है वो उसके साथ खेलते हैं। उनको लगता है कि अगर मुझे अभी 1 रुपया मिला है तो मैं भी, हो सकता है 2-3 रुपए और मुझे मिल जाए, ठीक है, वो चीज उनको उकसाती है। तो वो क्या करते हैं, इस चक्कर में उसको और ढूंढते हैं। तो वो जो बच्चे होते हैं उनके लिए तो वो एक मस्ती का प्रक्रिया, वो मस्ती के लिए है, लेकिन जो वहां के पापा मम्मी जो होते हैं उनके लिए बस पेट चलाने चलाने की वो है। तो अब मैं बताता हूँ ना, अब तुम एक चीज देखो, यहाँ पे जो बच्चे हैं ना, बच्चे कूड़े को भी बड़ी ध्यान से ऐसे तोड़ रहे हैं, देख रहे हैं उसमें से कुछ गिर जाए, कुछ मिल जाए,
ठीक है, वो इतना गरीबी से ग्रसित होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में जो ये चैप्टर है इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि वो लेखिका बताना चाहती है कि आखिर चाइल्ड लेबर जो समय से पहले काम करने लगते हैं उनकी लाइफ स्टाइल कैसी होती है, उनकी जिंदगी कैसी होती है। ठीक है, वो लेखिका बस यही बताना चाहती है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, अगर छोटी मोटी गलती हो गई हो तो कमेंट करके बता देना और मैं इसको दोबारा शूट करके फिर से अच्छे से और बता सकता हूँ अगर छोटी भी गलती हुई हो तो। ठीक है, तो अभी के लिए जय हिंद, टेक केयर एवरीवन।